फैक्टोरियल क्रम गुणित, क्रम से गुणा करनी है आपको, जैसे फैक्टोरियल वन वन होता है, फैक्टोरियल दो दो गुणा एक दो, फैक्टोरियल तीन क्या होता है तीन गुणा दो गुणा एक यानी कि छह, आप समझे कि बिल्कुल क्रम से गुणा करनी है वन तक, फैक्टोरियल चार चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक यानी कि मेरे दोस्तों चौबीस, फैक्टोरियल पांच क्या होता है पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक यानी कि 120, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ फैक्टोरियल n तो इसका मतलब है n से लेके एक तक सीधी क्रम से गुणा करेंगे, n n माइनस वन n माइनस दो n माइनस तीन अप टू वन, समझ में आया फैक्टोरियल। जरा मुझे ये सवाल बताओ कि फैक्टोरियल 19 को 70 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। आप कहोगे सर ये सवाल तो हम कर ही नहीं सकते कैसे होगा, फैक्टोरियल देखो 70 का क्या मतलब है 10 गुणा 7 70 होता है, फैक्टोरियल 19 को अगर ध्यान से देखेंगे तो 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 तो इसमें 10 भी आएगा और इसमें कहीं ना कहीं 7 भी आएगा, यही तो होगा मेरे दोस्तों, यानी कि फैक्टोरियल 19 में 10 और 7 दोनों आ रहे हैं तो 70 का एक मल्टीपल है, तो 70 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा।